आसिफ खान गोलवी साहब तशरीफ लाएं। आसिफ खान गोलवी साहब बेहद इनायत। अस्सलामु अलैकुम बिरादर इस्लाम। शुरुआत करता हूँ कुछ मिश्रे और उसके बाद एक गज़ल। ज़िंदगी का एक सफ़र कुछ मिश्रे आपके लिए। किसी प्यारी सी हलचल से आए हैं, किसी प्यारी सी हलचल से आए हैं, आज वो कुछ बोझल से आए हैं। किसी प्यारी सी हलचल से आए हैं, आज वो कुछ बोझल से आए हैं। जिनकी एक नज़र का इंतज़ार था हमें, जिनकी एक नज़र का इंतज़ार था हमें, आज वो हमारी तरफ चल के आए हैं। अरे क्या बात है। ख्वाब की तरह पल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं। तुम जहां सिफारिश से पहुंचे हो, हम वहां पैदल चल के आए हैं। क्या बात, वाह वाह वाह, अच्छी फिक्र है, अच्छी फिक्र है। बेहद इनायत। आज मुल्क के जो हालात हैं, वो जगह जगह नफसा नफसी का माहौल है। आज एक कौम को जिस तरह से प्रोपोगंडा बना दिया गया, और एक मेरा शेर है, उस कौम को इस तरह से ना शामिल किया जाए, आप सबके लिए वो शेर और इरशाद फरमाएं। हम है दाना, हमें नादान ना लिखा जाए। हम है दाना, हमें नादान ना लिखा जाए। हमको बर्बादी का सामान ना लिखा जाए। हम है दाना, हमें नादान ना लिखा जाए। हमको बर्बादी का सामान ना लिखा जाए। जब भी हादसे हुए तुम भी मरे हम भी मरे। जब भी हादसे हुए तुम भी मरे हम भी मरे। बम के माथे पे मुसलमान ना लिखा जाए। बेहद इनायत। आज जो ये प्रोपोगंडा था, ये एक दर्द है एक पूरी कौम का। यही औरंगजेब भी पैदा कर रही है और यही शाहजहां भी पैदा कर रही है। ये नहीं समझ रहे हैं लोग हैं, हम कितने वतन के वतन परस्त हैं। चाहे वीर अब्दुल हमीद से पूछ लीजिए, चाहे मौलाना अबुल कलाम से पूछ लीजिए। हमारी लहू में जो खून बह रहा है वो भारत का है, और हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इरशाद है तो मैं फिर से पढ़े दे रहा हूँ। हम है दाना, हमें नादान ना लिखा जाए। हम है दाना, हमें नादान ना लिखा जाए। हमको बर्बादी का सामान ना लिखा जाए। जब भी हादसे हुए तुम भी मरे हम भी मरे। जब भी हादसे हुए तुम भी मरे हम भी मरे। बम के माथे पे मुसलमान ना लिखा जाए। अच्छी फिक्र है भैया। और आज के सियासतदारों के लिए चार लाइनें। इतनी आसानी से वो कुछ तुम्हें नहीं देगा। समझदार सब समझ जाएंगे मैं किसे कह रहा हूं। इतनी आसानी से वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, जो है तुम्हारे पास वो भी छीन लेगा। इतनी आसानी से वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, जो है तुम्हारे पास वो भी छीन लेगा। उसकी तरफदारी ना करो दोस्तों, ना वो तुम्हें देगा ना वो हमें देगा। अगला शेर। कुदरत ने हमको ये मुकाम बख्शा है, कुदरत ने हमको ये मुकाम बख्शा है, हमारी मेहनत का हमको इनाम बख्शा है। कुदरत ने हमको ये मुकाम बख्शा है, हमारी मेहनत का हमको ये इनाम बख्शा है। ज़्यादा जोर न डालो अपने दिमाग पे दोस्तों, ज़्यादा जोर न डालो अपने दिमाग पे दोस्तों। हमें जो कुछ बख्शा है हमारे वालिद के एहतराम ने बख्शा है। अगला शेर। फिर कौमी एकजुटता पर। हर जगह लोगों को बस हिंदू मुसलमान नजर आता है, हर जगह लोगों को बस हिंदू मुसलमान नजर आता है। इस दौर में इंसान इंसान नहीं कहलाता है। अगला शेर। खामोश आंखों के मंजर कोई और हैं, खामोश आंखों के मंजर कोई और हैं, हर चुप रहने वाले के भीतर कोई और है। खामोश आंखों के मंजर कोई और हैं, हर चुप रहने वालों के भीतर कोई और हैं। बहुत खुश तब रहोगे जब किसी से उम्मीद ना रखो दोस्त, बहुत खुश रखोगे जब किसी से उम्मीद ना रखो है दोस्त। हर आदमी के अंदर एक आदमी और है। और दोस्तों के लिए एक शेर। अपनी जिंदगी के कुछ अलग उसूल हैं, अपनी जिंदगी के कुछ अलग उसूल हैं।
जिसके हम दोस्त हैं उसके लिए सब कबूल है। अपनी दोस्ती के कुछ अलग उसूल हैं, जिसके हम दोस्त हैं उसके लिए सब कबूल हैं। जो हैं उसके दुश्मन वो मेरे दोस्त हो नहीं सकते, जो हैं उसके दुश्मन वो मेरे दोस्त हो नहीं सकते, ये मेरे रिश्ते के उसूल हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है मक्ता। अगला शेर, हर सफर में तेरी याद रही, हर सफर में तेरी याद रही, हमें तेरे सिवा और कोई ना फरियाद रही। हर सफर में तेरी याद रही, हमें तेरे सिवा और कोई ना फरियाद रही। लोगों के साथ सफर में कोई ना कोई जरूर रहा, लोगों के साथ सफर में कोई ना कोई जरूर रहा, मेरे हर सफर में बस तेरी याद रही। बहुत अच्छा।